लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। लोक नेता गणेश नाइक ने आज नई मुंबई के बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में तमाम नवरात्रि मंडलों में सदिच्छा भेंट दी और मां आद्य शक्ति की प्रतिमा को हार पहनाकर दर्शन का लाभ लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व महापौर जयवंत सुतार, पूर्व नगर सेवक सुरेश शेट्टी, सूरज पाटिल, डॉक्टर जयाजी नाथ समेत तमाम पदाधिकारियों के यहाँ भी भेंट दिया और आद्य शक्ति माँ दुर्गा से कोरोना संकट मिटाने और नवंबईकरों की खुशहाली के लिए मंगल की कामना की। देखिए रिपोर्ट। नौ देवियों की पूजा उपासना के पर्व नवरात्रि के आखिरी दिन बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने बेलापुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम नवरात्रि मंडलों में सदिच्छा भेंट दी और मां दुर्गा की प्रतिमा को हार पहनाकर दर्शन का लाभ लिया। पूर्व मंत्री ने सबसे पहले पूर्व महापौर जयवंत सुतार के यहाँ सिरौने में देवी दर्शन किया। उन्होंने नेरुल में पूर्व नगर सेवक सुरेश शेट्टी और युवा नेता सूरज पाटिल के नवरात्रि मंडल में भी भेंट दी और देवी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने बेलापुर में डॉक्टर जयाजी नाथ के प्रभाग में भी मां आद्य शक्ति का दर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने दर्जनों पदाधिकारियों के यहां देवी दर्शन करने के बाद लोक नेता गणेश नाइक ने आद्य शक्ति माँ दुर्गा से कोरोना संकट मिटाने और नवंबईकरों की खुशहाली के लिए मंगल की कामना की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कोविड-19 म्हणजे 2019 या रोगाची उत्पत्ती जगाच्या कुठेतरी भागात झाली। 20 आपल्या देशामध्ये याचा प्रादुर्भाव झाला। 20 तर 21 पर्यंत आता जाता जाता अजून सुद्धा लोकांना भीतीच वाटते। मी नेहमीच सांगतो की कुटुंबातली बरीचशी लोक गेली, नात्यातली गेली, मित्र गेले, सहकारी गेले, आपण ओळखत नसलेले असे आपल्यावर प्रेम करणारे जनतेचे भाग गेले। पूर्वी प्लेग, कॉलरा आणि तशाच प्रकारचा कोविड, हा कोविड काय पूर्णतः जाणार नाही परंतु त्याची तीव्रता कमी होत जाईल। लसीकरण झालं, त्याला उपाय सापडले, परंतु जी अर्थकारणाची जी स्थिती झाली, आज मी CBD ज्याला पूर्वी यायचो त्याला पूर्ण गजबजलेला CBD असायचा, आज जर बघितलं मी तर एक नैराश्य आहे। आणि म्हणून दुर्गा मातेला सांगितले की आता हे नैराश्यता दूर करण्याकरता तूच ताकद दे, आमच्यावर देशावर प्रेम करण्याची भावना, माणसावर प्रेम करण्याची भावना आणि स्वतः जगता जाता सर्वांनीच जगावं अशा प्रकारची वृत्ती सर्वांमध्ये निर्माण व्हावी अशा प्रकारची प्रार्थना केलेली आहे। आता CBD आल्यानंतर मी नेहमीच म्हणतो की CBD हे एक जरी कॉलनी असली तरी एक प्रकारचे इतके ऋणानुबंध एकमेकाचे गुंतलेले आहेत की एक गावट, जे गावाकडे असलेले लोकांचे एकमेकाविषयी जी प्रेम भावना असते, एकमेकाच्या सुखदुःखात समरस होण्याची भावना असते, ती CBD आल्यानंतर नेहमीच जाणवते। धर्म, जात, पंथ, वर्ण पक्षाच्या पलीकडे जाऊन सुद्धा लोक एकमेकावर प्रेम करतात आणि चांगलं लक्षण आहे आणि असंच राहिलं पाहिजे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।